नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक, बड़ी बैठक जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता कर रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। नड्डा, शाह और राजनाथ दो दो क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। नड्डा, शाह, राजनाथ बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह अवध और काशी क्षेत्र में जाएंगे। राजनीतिक, सामाजिक, संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई। सभी कार्यक्रम निचले स्तर तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। पीएम की रैलियों पर भी इस मीटिंग में विचार किया गया। बड़े नेताओं की रैलियों और उनके प्रवास के कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, खासतौर पर जिन पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने की जिम्मेदारी है, अब वो अलग अलग जगहों पर जाकर प्रवास करेंगे और सरकार की नीतियों और उनके कामों को निचले स्तर तक, जनता तक पहुंचाएंगे। अध्यक्ष जी का मेन फोकस था कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए रचनात्मक भी संगठनात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसी बिंदुओं पर आज चर्चा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रैलियां हैं, बड़ी बड़ी रैली है, महोबा में है उनका, वहाँ है झांसी में, अभी सुल्तानपुर की एक विशाल रैली संपन्न हुई है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जो रैलियाँ लगभग कब कब क्या करना है ये भी इस पर विचार हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, ये लोगों की बड़ी रैलियां और इनका प्रवास के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के चर्चा हुई है और नीचे संगठनात्मक जो बैठ के विधानसभा स्तर पर जो प्रभारी और बूथ के और मोर्चों प्रकोष्ठों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं अभियान के रूप में, और सामाजिक जो सम्मेलन हुआ लखनऊ के, सामाजिक संपर्क भी नीचे तक बूथ तक कैसे होगा, इन सभी बिंदुओं पर ठीक ढंग से विधवा। और एक और हम खबर बता दें आपको, कल 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे पीएम मोदी। महोबा, झांसी और लखनऊ में कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। महोबा में कल करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। झांसी में वायुसेना को स्वदेशी हेलीकॉप्टर का तोहफा देंगे। लखनऊ में देशभर के डीजीपी के साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे बढ़ते जा रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए जनता के बीच खुद जा रहे हैं, पार्टी के कामों को, जनता के कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री का अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी का मिशन यूपी है जारी। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड की बारी। 3 दिन तक बीजेपी में भरेंगे जोश। मोदी के दौरे से विपक्ष के उड़े होश। पूर्वांचल के एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे देने के बाद अब बुंदेलखंड को भी साधने की कवायद शुरू हो चुकी है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 दिनों के लिए यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। और इस दौरे से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन पूर्वांचल ही नहीं बल्कि लखनऊ की गद्दी पर फिर से मुख्यमंत्री योगी को बैठाने की सबसे बड़ी शुरुआत है। 19 से 21 नवंबर तक यूपी में रहेंगे पीएम। 19 नवंबर को महोबा और झांसी को देंगे सौगात। महोबा में 6,250 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। झांसी में वायुसेना को देंगे स्वदेशी हेलीकॉप्टर का तोहफा। 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। 20 और 21 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अटल एकता पार्क का प्रधानमंत्री उद्घाटन भी करेंगे। महोबा को 6,250 करोड़ की परियोजनाओं को सौगात देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी झांसी को तोहफा देंगे और आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार स्वदेशी उपकरण सेना को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले महोबा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों का जायजा लिया और अफसरों के साथ बैठक की और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी झांसी के दौरे पर रहे, जहां प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों की रूपरेखा को परखा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ की ओर से लगाए गए प्रदर्शनी को देखा। तो प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर
सीएम ने तैयारियों को परखा और अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए। बीस अक्टूबर को कुशीनगर एयरपोर्ट और बीते 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी सुल्तानपुर गए थे, जहां उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अब 3 दिवसीय यूपी दौरा भी काफी अहम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के साथ ही पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे उत्तर प्रदेश में लगे हैं। हालांकि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगे हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल से लेकर 21 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे, जहां वो कल महोबा में 6,250 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी परियोजना अर्जुन सहायक बांध परियोजना है, जिससे महोबा, बांदा और हमीरपुर जिलों को सीधे तौर पर फायदा होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी राजधानी लखनऊ में आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे, जिसमें पूरे देश भर के डीजीपी शामिल होने आ रहे हैं। निश्चित है कि 20 और 21 को भी प्रधानमंत्री लखनऊ में रहेंगे और 21 तारीख को लखनऊ से प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। इस दौरान वो 2 दिन और 2 रात का रात्रि प्रवास भी लखनऊ में करेंगे। तो निश्चित है 2022 के चुनाव से पहले पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे उत्तर प्रदेश में लगे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके बाद पेई न्यूज वन इंडिया लखनऊ। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी यूपी में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। 4 जगहों से यात्रा निकलेगी। चारों यात्राएं लखनऊ में 25 दिसंबर को खत्म होंगी। बीजेपी ने चारों यात्राओं के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 2 बड़े-बड़े नेताओं को इन यात्राओं की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिमी यूपी की विजय संकल्प यात्रा सहारनपुर में 8 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि बाकी 3 संकल्प यात्राओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। 22 की जंग जीतने के लिए सियासी दल मैदान में उतर गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस की खोई जमीन फिर से हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही हैं। इस बीच चुनावी तैयारियों में बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी के अलावा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सारे स्टार प्रचारकों के दौरे चल रहे हैं। इन सब के बीच अब बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा निकालने का फैसला लिया है। 2022 में विजय के संकल्प के साथ ये यात्राएं दिसंबर में निकाली जाएंगी। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, 4 जगहों से निकलेगी विजय संकल्प यात्रा। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र से शुरू होंगी यात्राएं। पश्चिमी यूपी की यात्रा सहारनपुर से 8 दिसंबर से शुरू होगी। अन्य 3 यात्राओं का कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। चारों यात्राओं का समापन 25 दिसंबर को लखनऊ में होगा। समापन के अवसर पर पीएम मोदी की सभा की भी है तैयारी। विजय यात्रा भी अपना संकल्प यात्रा भी 4 निकलने वाले हैं। वह नाम नहीं उसका तय हुआ है, उसके इंचार्ज बना दिए गए हैं। तिथि अभी तय किया जाएगा, वह रूट किस रूट से निकलेगा, कहां से निकलेगा, ये सब का। फिलहाल यात्रा का रूट और मुद्दे तय करने की कवायद चल रही है। दिसंबर के पहले हफ्ते से यात्राएं शुरू करने की योजना है। यात्रा को लेकर बाकी तैयारियां भी की जा रही है। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र से शुरू होने वाली 4 यात्राओं के जरिए बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां और 2017 में किए गए वादों को पूरा करने का हिसाब लेकर सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी। यानी चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी के बड़े नेता इन यात्राओं के जरिए सभी विधानसभा सीटों तक पहुँचेंगे और आम जनता से संवाद करेंगे, ताकि 2022 में एक बार फिर सूबे की सत्ता तक पहुंचा जा सके। इसके वाजपेयी, लखनऊ, न्यूज वन इंडिया। गाजियाबाद से खबर आपको बता देते हैं। गाजियाबाद का राजनगर इलाका इन दिनों काफी सुर्खियों में है, क्योंकि वहां के लोग खुलेआम सड़क पर घूम रहे तेंदुए से परेशान हैं। लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन ये तेंदुआ अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
गाजियाबाद के राजनगर इलाके के लोग इन दिनों खौफ के साए में अपना जीवन जी रहे हैं और इसकी वजह है खुलेआम सड़कों पर घूमता तेंदुआ। आलम यह है कि लोग दिन में भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन दिनों एक सीसीटीवी वीडियो खूब सुर्खियों में है। राजनगर इलाके में तेंदुओं को देखा गया, इसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया और दहशत का माहौल होने लगा। इस मामले की जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारी और वन विभाग की टीम को मिली तो वो मौके पर पहुंची तो वन विभाग डीएफओ दीक्षा भंडारी ने बताया कि सीसीटीवी से इसकी पुष्टि की गई है। जब पुष्टि हो गई तो चेतावनी जारी की है। ऐसे ही हमको पता चला कि इस तरीके से लेपर्ड राजनगर सेक्टर 13 में घूम रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ था। तो हमने वहाँ पे निशानदेही के लिए सबसे पहले अपनी टीम को भेजा, निशानदेही करने पे कि आसपास का जो जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सेम है कि नहीं है। उसके बाद फिर हमने गश्त लगा दी है। भले ही हमको वहाँ पे पदमार कभी कुछ नहीं मिले, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एविडेंसेस कुछ भी नहीं मिले हैं, सिर्फ और सीसीटीवी फुटेज ही हमारे पास है, फिर भी एहतियातन वन्य जीव की सुरक्षा एज वेल एज वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनकी सुरक्षा हेतु हमने वहाँ पे गश्त बढ़ा दी है। पुलिस और प्रशासन से हमने सहयोग की मांग की है कि पुलिस की जो भी टीसीआर वैन्स हैं वो ये जब भी उस रास्ते से गुजरे तो लोगों को सचेत करते हुए, लोगों को बताते हुए कि अंधेरे में ना रहें, अंधेरे में कोई भी ऐसा कार्य ना करे, खड़े ना हो, ताकि वन्य जीव उनको अपना शिकार समझकर या किसी भी प्रकार से भयभीत होकर उन पर कोई हमला करे। वही राजनगर में रहने वाले लोग भी तेंदुओं के खुलेआम घूमने से परेशान हैं, क्योंकि इससे लोगों की जान को काफी खतरा है। देखिए, जिस तेंदुओं की बात हो रही है, इसी प्रकार की एक चर्चा अब से लगभग 6-7 महीने पहले भी आई थी और जैसे ही तेंदुओं की चर्चा सुनी थी तो लोगों में एक डर का वातावरण था। हमने पहले भी उसको सीसीटीवी में देखा था और कल से जो ये जानकारी मिली है और सीसीटीवी को देखने को मिला है तो इससे फिर से एक बार डर का वातावरण लोगों में बना है। आज सुबह जब मैं परिवार से वापस घर से आ रहा था तो मेरे परिवार वालों ने खुद कहा कि भैया आप तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। मैं भी जिस तरह से सड़क पर देख पा रहा हूँ उसमें लोग सावधानी के साथ शीशों को बंद करके और बड़े एहतियातन तौर पर आवागमन अपना कर रहे हैं, और चूंकि तेंदुआ शहर के अंदर है और आप समझते हैं कि खतरनाक जानवर है और जिस प्रकार से तेंदुओं की खबरें यहाँ पर हैं, मेरा मानना है कि बहुत जल्दी अधिकारियों को, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। वन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, शोर शराबा बिल्कुल ना करें और रात के समय घर की खिड़कियां बंद रखें और घर के बाहर लाइट जला कर रखें। फिलहाल आबादी वाले क्षेत्र में दहशत का माहौल है और एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।